मुख्य मार्ग पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए निर्देश। गदरपुर थाने परिसर में उपजिला अधिकारी एपी वाजपेयी ने क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर कड़े निर्देश देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार मुख्य मार्ग एवं NHI मार्ग पर मंदिर मस्जिद आदि जो भी धार्मिक स्थल अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं उन्हें एक सप्ताह के भीतर हटा लिया जाए। अगर नहीं हटाया गया तो मजबूरन प्रशासन स्वयं कार्यवाही करते हुए हटाया जाएगा, जिसके लिए धार्मिक स्थल के प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे। और कहा कि NH 74 एवं लिंक रोड पर दूल्हे मियाँ की मजार, सरदार नगर चक्की मोड़ पर स्थित शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर डोकपुरी, भगवती मंदिर सेठवाला, सूरजपुर स्थित मंदिर भागड़ा पुल, महतोश स्थित शिव मंदिर, शनि मंदिर अलख देवी, पिपलिया नंबर 2 स्थित शिव मंदिर, दिनेशपुर रोड नागेश्वर मंदिर आदि शामिल हैं। इस मौके पर धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र अधिकारी दीपशिखा अग्रवाल मौजूद रहे। देखिए, जो हमारे धार्मिक स्थल ऐसे जगहों पर बनाए गए हैं जो पब्लिक पाथवे है, लोक पार्क है, यहाँ पर जन सामान्य का आवागमन रहता है और आवागमन में बाधक बन सकते हैं या बन रहे हैं, उनका चिन्हीकरण किया गया था। तो उसमें 3 कैटेगरी के हैं, तो उसी के तहत लोगों को यहाँ पर फिर से बुलाया गया। साथ में पीस कमेटी के लोगों को भी बुलाया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का और ऑनरेबल हाईकोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उसके क्रम में उनको हटाया जाना है, रेगुलेट किया जाना है या उनका रिमूवल किया जाना है या रिलोकेट किया जाना है। तो यहाँ पर 12 स्ट्रक्चर गदरपुर क्षेत्र में ऐसे हैं, तो उसके संबंध में लोगों से बात हुई है और उनको जो शासन के निर्देश हैं उससे अवगत कराया गया है और एक समय सीमा के अंतर्गत इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। हाँ, उसमें जितने भी हमारे लोक मार्ग हैं जहाँ पर पब्लिक का आवागमन होता है वो सभी पर ये जो रूल्स हैं वो लागू। धार्मिक स्थल के जो प्रबंधक हैं उनके साथ वार्ता की गई थी,